हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारयां नूं। सब तो पहला स्वागत है तुहाडा साडे चैनल इक्सी देसी दे विच। अज असीं बायोग्राफी लैके आए हाँ पंजाब दे एक फेमस सिंगर, एक्टर, प्रोड्यूसर ते डायरेक्टर दी, जो कि बॉलीवुड फिल्मां विच भी काम कर चुके ने, जिन्हां ने जिस वड्डे घर दे विच सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की, अज उसे वड्डे घर दे ओह मालक ने। जी हाँ दोस्तो, असी गल कर रहे हाँ गिप्पी गरेवाल की। दोस्तों इस वीडियो दे विच आपां उन्हां दे जीवन अते उन्हां दे स्ट्रगल टाइम की गल करांगे। सो जे तुसीं अजे तक साडा चैनल सबसक्राइब नहीं किया तां चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ ते नाल लगी घंटी का बटन जरूर दबा दिओ। दोस्तों गिप्पी गरेवाल का जन्म 2 फरवरी 1983 नूं जिला लुधियाणा के पिंड कूम कलां पंजाब दे विच होया। उन्हां दा रियल नेम रुपिंदर सिंह गरेवाल है। उन्हां दे पिता का नाम सरदार संतोख सिंह ते माता का नाम कुलवंत कौर है। जेकर उन्हां दे विआह की गल करिए तां उन्हां दा विआह रवनीत कौर गरेवाल नाल होया ते उन्हां दे 3 बच्चे भी ने। दोस्तों उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई ननकाणा साहिब पब्लिक स्कूल कोट गंगू राय तो कंप्लीट की। उन्होंने नॉर्थ इंडिया इंस्टीट्यूट पंचकूला तो होटल मैनेजमेंट की डिग्री कंप्लीट की। उन्हों का एक वड्डा भरा भी है जिसका नाम सिप्पी गिल है ते वो आस्ट्रेलिया विच रहिंदा है। दोस्तों गिप्पी गरेवाल नूं कुत्ते रखण दा भी बहुत ज़्यादा शौक है, इसलिए उन्होंने गोल्डन रिटीवर ते पग नसल के 2 कुत्ते रखे हुए ने। दोस्तों गिप्पी गरेवाल जिस मुकाम ते अज खड़ा है उस मुकाम ते पहुंचण लई उन्होंने बहुत हार्डवर्क किया। वह सिंगर तां बनना चाहते सी पर पैसे की कमी कारण सिंगर बनना बहुत औखा सी। सो पढ़ाई पूरी होने तो बाद उन्होंने दिल्ली एक 5-स्टार होटल विच काम किया। उस होटल दे विच उन्होंने 1 साल की ट्रेनिंग उत्ते रखा गया सी ते उन्होंने महीने के सिर्फ 800 रुपये ही दिते जाते। वह वेटर का काम करते होंगे सी, उन्होंने तनखाह भी घट सी, इसलिए उन्होंने यह काम ठीक ना लगा तो उन्होंने नौकरी छड्ड दित्ती। इस तो बाद उन्होंने इधरों उधरों पैसे इकट्ठे किए तो वह कनेडा चले गए। दोस्तों कनेडा दे विच उन्होंने पैसे कमाउण दे लई बहुत सारे काम किए, सिक्योरिटी गार्ड का भी काम किया। पर दोस्तों उन्होंने कनेडा दे विच पत्थर बनाउण दा काम काफ़ी लंबा समा किया सी। इस काम विच समेंट नाल उन्हां दे कपड़े लिबड़ जांदे सी, पर इस काम ने उन्हां दी बहुत मदद की। वह कैनेडा दे विच इह काम करके पैसे इकट्ठे कर लैंदे सी ते फिर पंजाब दे विच आके एल्बम कर लैंदे सी। जदों वह पंजाब आ जाते तां पिछों उन्हां दी पत्नी 18-18 घंटे काम करके पैसे जोड़ती सी। गिप्पी गरेवाल एक इंटरव्यू दे विच दसदे ने कि जेकर उन्हां दी पत्नी उस माड़े समय दे विच उन्हां दा साथ ना दिंदी तां शायद वह अज इस मुकाम ते ना पहुँचते। कैनेडा दे विच 4-5 साल वह दोवें इन्ना हार्डवर्क करते रहे कि वह सिर्फ 4 या 5 घंटे ही घर विच सौण लई आउंदे सी, बाकी दा सारा टाइम काम करते सी। दोस्तों एक होर इंटरस्टड गल तुहानू दस दईए कि बाईट्रोक एरिया दे विच गिप्पी गरेवाल रहिंदा है। सी साइड दे उत्ते गिप्पी गरेवाल दा बहुत वड्डा घर है ते इस घर दे विच ही गिप्पी गरेवाल कदे सिक्योरिटी गार्ड दी नौकरी करदा सी। दोस्तों सन 1999 दे विच 1 लाख रुपया ला के गिप्पी गरेवाल ने पहली एल्बम कीती सी जिसका नाम सी चक लै। ओह दसदे ने कि उन्होंने इस एल्बम दे पोस्टर बठिंडे की हर जगह के उत्ते लाए पर दूजे दिन उन्होंने पोस्टरां नू लोग पाड़ दिंदे सी। उन्हां दी इह पहली एल्बम फलॉप रही सी, पर दोस्तों जिसने मंजिल वल वधना ठाण लिया होवे ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਲਕਾਰੀ ਸੌਂਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੌਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫੁਲਕਾਰੀ ਸੌਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸਿੰਗਰ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਆਫਰ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत सन 2010 दे विच मेल करा दे रब्बा तो कीती सी। यह फिल्म एंडी वड्डी हिट हुई कि इस तो बाद गिप्पी गरेवाल लई होर वड्डियां फिल्मां दे राह भी खुल गए। इस तो बाद उन्होंने कैरी ऑन जट्टा, अरदास, कप्तान, मंजे बिस्तरे, सूबेदार जोगिंदर सिंह, कैरी ऑन जट्टा 2, मंजे बिस्तरे 2 वर्गियां फिल्मों दे विच काम किया। उन्हां दी एक्टिंग अते उन्हां दीआं फिल्मां नूं लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। दोस्तों हॉलीवुड मूवी ए गुड डे टू डाई हार्ड जो कि पहली बार पंजाबी भाषा विच डब की गई सी,
इस मूवी दे विच उन्हां दी आवाज़ नूं भी डब किया गया सी। दोस्तों गिप्पी गरेवाल ने इस तों बाद सैकेंड हैंड हसबेंड नां दी फिल्म राही सन 2015 दे विच बॉलीवुड विच एंट्री की। 2017 दे विच बॉलीवुड फिल्म लखनऊ सेंट्रल दे विच काम किया। इस तरह दोस्तों गिप्पी गरेवाल ने मेहनत ते लगन नाल सफलता हासिल कर ही ली। सानू उम्मीद है कि तुहानू इस वीडियो राही जरूर कुछ नवा सीखण नूं मिलिया होवेगा। इस वीडियो नूं वध तों वध शेयर करो। दोस्तों हुण मिलदे हां अगली वीडियो दे विच। उदों तक तुसीं देखदे रहो तुहाडा अपना यूट्यूब चैनल इकसी देसी।